ठीक है ही। चलिए माइक्रोबायोलॉजी बताइए आप। फिर फिर अच्छा, माइकोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी। माइकोलॉजी पे आ गए तो यस सर। इसे फिर से बता दो, फाइकोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ एल्गी। अब याद हो गया। यस सर। अच्छा ठीक है, और बैक्टीरिया के अध्ययन को क्या बोलते हैं? बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरिया। अको टोटल क्या हो गया? माइक्रोबायोलॉजी। नहीं नहीं सर, माइकोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी। नहीं आया कि किसके अंडर आएगा ये टोटल? माइकोलॉजी फाइकोलॉजी किसके अंदर आएगा? माइक्रोबायोलॉजी के अंदर। नहीं सर, माइक्रोबायोलॉजी हाँ कह सकते हैं काइंड ऑफ, लेकिन माइक्रोबायोलॉजी का ये पार्ट तो नहीं है सर। नहीं सर, नहीं है। मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी करना हाँ पार्ट बैक्टीरियोलॉजी है, लेकिन फंजाई का स्टडी करना इज नॉट माइक्रोलॉजी का पार्ट। आपका डायरेक्टली नहीं हुआ इन्वॉल्वमेंट है ना हाँ माइक्रोबायोलॉजी सर, में? मेरा मेन फोकस फंजाई पे होता है, और फंजाई रिलेटेड डिजीजेज एंड बैक्टीरियल बताइए रिलेटेड फंजाई डिजीजेज। रिलेटेड मेजर डिजीज बताइए फसल सर के। ओके सर, सर राइस में होता है बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट, जो कि कॉज होता है जंथोमोनास ओराइजी पैथोवर ओराइजी से। फिर दूसरा होता है ब्लास्ट डिजीज ऑफ राइस, जो कि पारिकुलेरा ओराइजी से होता है। थर्ड होता है ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस, जो कि हेलमिंथोस्पोरम ओराइजी से होता है। ठीक फोर्थ होता है सर राइस के बाद बीट में जाते हैं, बीट का होता है सर बीट रस्ट, जो कि पक्सीना स्पीसीज से होता है। और उसके बाद फिर करनाल बंच होता है, जो कि नेबोशिया इंडिका से होता है। उसके बाद फिर हम शुगर केन की क्रॉप में जाते हैं, शुगर केन में रेड रॉट ऑफ शुगर केन होता है, जो कि कोलेप्टोट्रिकम फैल्गेटम से होता है। फिर उसके बाद थर्ड फोर्थ क्रॉप पोटैटो लेते हैं, पोटैटो में सर लेट ब्लाइट होता है, जो कि फाइटोफ्थोरा इंटरेस्टेंस से होता है। फिर अर्ली ब्लाइट होता है, वो ऑल्टरनेटिव स्पीसीज से होता है। फिर हाँ सर, इतने क्रॉप्स के बारे में सर। अब चलिए हम लोग आते हैं हॉर्मोन्स पे। हॉर्मोन्स और ओके एंजाइम। सर। ओके मेजर सर। मेजर प्लांट हार्मोन और एंजाइम्स बताइए। हाँ सर मेजर प्लांट हॉर्मोन्स फाइव फाइव टाइप्स के होते हैं, ऑक्सिन, इथिलीन जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, इथिलीन और एब्सिसिक एसिड। या इथाइलीन, सर इथाइलीन। दोनों में अंतर है ना? यस सर। इस ग्रुप में दोनों में ग्रुपिंग का अंतर हो जाएगा ना, ये नहीं करना। अच्छा, ब्रासिनोस्टेरॉइड्स नाम सुनिए हार्मोन का? सर हम अनुमान लगा सकते हैं ब्रासिका स्पीसीज से जो हॉर्मोन्स या स्टेरॉइड्स निकले तो अच्छा, इसीलिए नाम में लिखा सर। हुआ, इसलिए उसको सर मेरे अनुमान मुझे पता नहीं सर। शॉर्ट में BRS, जैसे GAS किसको बोलते हैं? GAS किसको बोलते हैं? शॉर्ट फॉर्म किसका है? गैस। GAS गैस होता है ना, लेकिन जी कैपिटल, ए कैपिटल और एस स्मॉल किसका शॉर्ट फॉर्म है लिखने का? जिब्रेलिक एसिड का सर। बहुत बढ़िया, ठीक है। और उसी यस तरह BRS किसका है? ब्रासिनोस्टेरॉइड्स का, ठीक ओके सर, ये मुझे है। नहीं अच्छा, पता सर। जैस्मोनिक एसिड क्या होता है? सर जैस्मोनिक एसिड एक सिग्नलिंग एजेंट होता है, जब सिग्नलिंग एजेंट सर वो ये हार्मोन जब नहीं है? हाँ सर हार्मोन भी है, वो जब पैथोजन अटैक करता है तो प्लांट उसके डिफेंस के लिए जैस्मोनिक एसिड रिलीज चलिए, करता है बहुत सर। बढ़िया बहुत बढ़िया। अब बताइए सिंथेटिक फॉर्म बताइए ऑक्सीजन का, कोई एक एग्जांपल बताइए। सर नाफ्थलीन एसिटिक एसिड और टू फोर चलिए डी। चलिए, यही बहुत, यही काफी है। और साइटोकाइनिन का बताइए नेचुरल फॉर्म। साइटोकाइनिन सर वो मी से प्राप्त करते हैं सर। सॉरी सर अभी याद नहीं आ रहा है। जेटिन का नाम सुनी है? हाँ सर सॉरी, हाँ GAT। जेटिन नाम सुनी है ना, हाँ तो बस यस सर। छोटा सा नाम है, एक याद कर लीजिए। दूसरा वाला नाम बहुत लंबा है, आइसोपेंटाइल एडेनिन नाम सुनी है? तो नहीं सर। मत सुनिए, रहने दीजिए, जो नाम सुनिए वही रहने दीजिए, है ना। और सिंथेटिक इसका क्या हो जाएगा, साइटोकाइनिन का? नहीं सर, इसकी याद नहीं है मुझे सर अभी। काइनिटीन। छोटा हाँ छोटा तो नाम है। अच्छा, सर कोकोनट मिल्क में क्या होगा, साइटोकाइनिन जीएटी। कौन?
सर साइटोकाइनिन, क्योंकि एंडोस्पर्म में बहुत ज्यादा सेलुलर का डिवीजन, कौन सा कौन सा कौन सा फॉर्म? सर जिएटिन फॉर्म होगा। वेरी गुड वेरी गुड। ये सब ये तो याद तो है, थोड़ा सा के लिए गड़बड़ करती हो, और कुछ इशू नहीं है, बाकी तुरंत सब दिमाग में ही नहीं आया अभी, तो तुरंत आपको दिमाग भी में ही बता। लाना है, दिमाग में ही लाना है, दिल में ला के बिल्कुल क्या करोगे, है ना। 7 स्टेप्स बताइए एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस का। सर, सबसे पहला होता है फील्ड प्रेपरेशन, उसके बाद फिर सोइंग करते हैं, फिर इरिगेशन मैनेजमेंट, न्यूट्रिएंट इरिगेशन मैनेजमेंट, वीड पेस्ट एंड डिजीज। से पहले, इरिगेशन से पहले और सोइंग के बीच में कुछ नहीं होगा? इरिगेशन से पहले और सोइंग के बीच में, और फिर फर्टिलाइजर मैनेजमेंट। तो वही ना, एडिंग न्यूट्रिएंट्स हो जाएगा। भूल हाँ सर वो, हाँ नहीं गई ना तुम? चलो सर बताया है मैंने, थर्ड वन इज ठीक, फर्टिलाइजर, चलिए वो आगे बोलिए। इरिगेशन के बाद उसके बाद डिजीज मैनेजमेंट, डिजीज पेस्ट मैनेजमेंट एंड वीड मैनेजमेंट, उसके प्लांट बाद प्रोटेक्टिंग। हार्वेस्टिंग, हार्वेस्टिंग एंड लास्ट वन इज स्टोरेज। चलिए बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास हो गया। अच्छा है, आपने जेनेटिक्स भी पढ़ा होगा, यस सर। तो हाउ प्लांट जेनेटिक्स डिफर फ्रॉम ह्यूमन जेनेटिक्स? टू थ्री मेजर पॉइंट्स। सर जो प्लांट के, प्लांट में जो सर कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, जैसे कि क्लोरोफिल जो होता है वो प्लांट के सेल्स में पाया जाएगा लेकिन एनिमल सेल्स में नहीं पाया जाता है। फिर एक स्फेरोसोम होता है जो कि सिर्फ प्लांट में पाया जाता है, वो एनिमल्स में नहीं पाया जाता। एनिमल में सेंट्रोइड्स पाए जाते हैं, वो सेंट्रोइड्स प्लांट सेल्स में नहीं पाए जाते। सर इस तरीके से डिफरेंट है सर। अच्छा, जनरली जेनेटिक्स का टाइप्स बताइए तो। 5 टाइप्स ऑफ जेनेटिक्स। टाइप्स बस मतलब मुझे समझ में नहीं आया जेनेटिक्स का जेनेटिक्स टाइप। आमतौर पे जो जेनेटिक्स है, जो मेंडल साहब जेनेटिक्स का आधार रखे थे, उसके बाद जेनेटिक्स एक सब्जेक्ट बना। यस सर। तो जेनेटिक्स का 5 ब्रांचेस क्या-क्या है? पढ़ी हो लेकिन याद नहीं आ रहा। क्लासिकल जेनेटिक्स हो गया स्टार्टिंग, ओके उसके बाद पॉपुलेशन जेनेटिक्स हो गया, साइटो जेनेटिक्स हो गया, बिहेवियरल जेनेटिक्स हो गया, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स हो गया, बायोकेमिकल जेनेटिक्स हो गया, एपिजेनेटिक्स हो गया, यही ब्रांच है। तो ओके सर। ये सब तो बोलना पड़ेगा ना, माइकोलॉजी फाइकोलॉजी थोड़ी डायरेक्ट आपसे सिर्फ वही पूछेगा, है ना। अच्छा, 6 बेसिक पैटर्न ऑफ सिंगल जीन इनहेरिटेंस क्या है, कुछ पता है? नहीं सर ये तो नहीं पता मुझे, ऑटोसोमल नहीं। डोमिनेंट हो गया, रिसेसिव हो गया, एक्स लिंक हो गया, ये सब पढ़ी होगी ना, हाँ, यही ना। हाँ हाँ करने से होगा। तो 6 बेसिक, बेसिक बेसिक हम बोले आपसे, बेसिक पैटर्न ऑफ सिंगल जीन इनहेरिटेंस, है ना। आज नया नया ही पूछेंगे, पुराना वाला नहीं पूछेंगे। हाँ, ठीक है सर। व्हाई इज जेनेटिक्स इंपॉर्टेंट इन प्लांट्स? सर जेनेटिक्स इसमें इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम उसके मेटाबॉलिज्म को बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं, और कोई भी अगर डिजीजेस हो रही हैं वो क्या फैक्टर्स उसके लिए हैं, उसको स्टडी करने के लिए भी जेनेटिक्स का बहुत बड़ा रोल होता है। और अगर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स प्लांट के अंदर हैं, वो कोई डिजीज अगर आ रही है तो उसके साथ वो कैसे अटैक करने की मैकेनिज्म क्या है प्लांट की, वो स्टडी करने के लिए जेनेटिक्स की जरूरत है। उसके बाद ओवरऑल क्रोमोजोम का नंबर क्या है और चलो भाई प्रोटीन बढ़िया, का ठीक है ठीक सिंथेसिस है ठीक है, कैसे। हो गया हो गया, बढ़िया। ओके सर। जेनेटिकल डिजीजेस जो है उसको यस सर। कैटेगराइज किया गया है 3 फॉर्म्स में, 3 टाइप्स में। वो कौन कौन है कुछ पता है? सर सेक्स लिंक डिजीज होता है, सेक्स अरे वो इनहेर तो दूसरा, इन्फ्लुएंस। वो दूसरा चीज हो गया, दैट इज डिफरेंट थिंग। सेक्स लिंक वो अलग चीज हो गया। जेनेटिक डिजीजेस कैन बी कैटेगराइज इनटू 3 मेजर ग्रुप्स। वो ग्रुप्स कौन हो गया? आप बता रही हैं टाइप, ग्रुप्स पूछ रहे हैं, उसके अंदर वो आएगा। सिंगल जीन, क्रोमोजोमल और मल्टीफैक्टोरल, यही 3 होता है ग्रुप्स। सेक्स लिंक डिजीज पढ़ी हो? यस सर। होलेंड्रिक जीन क्या यस होता है? सर। होलो एंट्रिक होता है जो कि किसी एक जो मेन्स में जो होता है वो ज्यादा डेवलप करता है, लाइक बियर्ड का फॉर्मेशन होना होलेंड, और फिर बाल्डनेस पैटर्न, बाल्डनेस है
वो सारा होल आपको ऑर्केस्ट्रा। बोलना पड़ेगा ना कि 23rd थर्ड पेयर जो होता है वो यस एक्स और वाई होता है, यस यही सर, वाई जो होता है उसको हाँ होलेंड्रिक जीन होता है यस ना, सर, जो मेल कैरेक्टर्स को स्टेब्लिश करता है, इस तरह से बोलेंगे ना। यस सर, वाई बताएंगे ना कि 23rd पेयर में जो होता है वो एक्स और वाई होता है, बाकी 22 एक्स एक्स होते हैं, यस सर, है ना, तो वही वही इसी में बताएंगे। चलिए ठीक है, हो गया, पूछिए अब मेरे तरफ। अच्छा ये बताओ आप कि फ्रंट लाइन डिमोन्स्ट्रेशन क्या होता है? तो फ्रंट लाइन डेमोन्स्ट्रेशन में ये होता है कि कोई भी जैसे एक्टिविटी है उसको किसानों के सामने, हम उनके सामने कोई अगर प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस या प्रैक्टिस को बताते हैं तो उसको फ्रंट लाइन डेमोन्स्ट्रेशन बोलते हैं। और दूसरा है ऑन फार्म टेस्टिंग क्या होता है? सर इसमें यूजली हम टेक्नोलॉजी का डिसेमिनेशन करते हैं, कोई भी टेक्नोलॉजी आई है उसको कैसे यूज करना है, कैसे बताना है, वो फार्म के किसान के फार्म जो होता है वहां पे जाके अगर वो चीज बताते हैं तो उसको हम ऑन फार्म टेस्टिंग बोलते हैं। अच्छा, उसमें हम बीज का भी इस्तेमाल। जी सर, एग्रीकल्चर को सबसे ज्यादा अफेक्ट करने वाला कौन सा इन्वायरमेंटल फैक्टर है जो सबसे ज्यादा अफेक्ट कर रहा है? सबसे सर टेम्परेचर, कैसे, हाउ? और सर हम लोग टेम्परेचर, अभी हम लोग जो क्लाइमेट रिजिलियंट एग्रीकल्चर देख रहे हैं वैसे तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं। आप 5 हमको पॉइंट्स गिनवा दीजिए कि ऐसे ऐसे टेम्परेचर अफेक्ट कर रहा है। जी सर, सबसे पहले जो है कि हम लोग का जो मीन टेम्परेचर है वो शिफ्ट करने की वजह से वीट में सर एक ब्लांकिंग हो जा रही है, जो पॉड्स होते हैं उसमें या तो फल नहीं लग रहे हैं या तो लग रहे तो बहुत स्मॉल साइजेस के लगते हैं। उसके बाद सर टेम्परेचर बढ़ने से जो है वो अर्ली डेथ या फिर अर्ली मेच्योरिंग वैरायटी, हमें मतलब जो टाइम ड्यूरेशन होता है उस क्रॉप का उससे पहले ही वो मेच्योर हो जाते हैं, इससे ओवरऑल प्रोडक्शन डिक्रीज हो जा रहा है। फिर टेम्परेचर शिफ्ट होने की वजह से जो भी माइक्रो इंसेक्ट थे मतलब पोटेंशियल पेस्ट थे जिन जो बाद में जाके हैवॉक कॉज करते, वो उससे पहले ही बहुत ज्यादा अमाउंट में उनका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया तो पेस्ट का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो रहा है। और टेम्परेचर शिफ्ट होने की वजह से सर और ह्यूमिडिटी भी एक फैक्टर ऐड होने से जो माइक्रो डिजीजेस थे मतलब जिनका रेट जो था या फिर जो कम लग सकते थे उनका भी पोटेंशियल बहुत ज्यादा बढ़ गया तो डिजीजेस भी बहुत ज्यादा लग रहे हैं और सर वेरी ओवरऑल प्रोडक्शन इसकी वजह से डिक्रीज हो जा रहा है। गुड, ओके। और इरेगुलर रेनफॉल हो गया उसी के कारण। यस सर, इरेक्टिक रेनफॉल भी, कहीं बहुत ज्यादा रेनफॉल हो जा रही है और कहीं पे सूखा हो जा रहा है। जब जरूरत है तो पूरा नहीं रहा, जब नहीं जरूरत है तो यस पूरा। सर, चलो यस सर, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगला आप हमको ओके बताइए, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की योजनाएं बताओ। हॉर्टिकल्चर ऐसे डिपार्टमेंट नहीं है, कृषि विभाग का ही एक ये है, उसकी योजनाएं बताइए, उद्यान से संबंधित योजनाएं बताइए। सर, छत पे बागवानी योजना है, उसके बाद सर कृषि वानिकी योजना है, उसके बाद मखाना विकास योजना है एक, उसके बाद सर पौधशाला योजना भी है एक, और सर अभी इतना ही ध्यान आया। हाँ एक अभी आपके से ही सुना था सर, वो मैंगो मैंगो केला सॉरी विकास मैंगो योजना, पपीता विकास हाँ योजना, आम विकास योजना, स्ट्रॉबेरी विकास हाँ योजना, ड्रैगन फ्रूट विकास योजना, अंजीर फल विकास योजना, कितनी सारी योजनाएं जी चल सर, रही है। ठीक है, चलो ओके बोल जी देना धरा धर, इतना तो सबका सबको याद हो गया। ठीक है, फल सर, विकास योजना के अंतर्गत ये सब अलग अलग कर दिया गया है। अब आपको ओके और दो दो तीन इसमें इंपॉर्टेंट है, जैसे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है, माइक्रो इरिगेशन, ठीक है, और क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन प्रोग्राम, और ड्राई आपको बागवानी को क्या, हॉर्टिकल्चर, शुष्क बागवानी, शुष्क ड्राई हॉर्टिकल्चर के बागवानी लिए, ठीक है। तो ये और फिर एक हो जी गया है खरीफ प्याज क्षेत्र विस्तार योजना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट योजना है, ठीक ओके है। सर, ऐसे बता भाई, किसी के पास ये है नहीं जो नहीं बता पाएगा। अगला आपको बताना है कि बिहार में मुख्य रूप से जो फ्रूट है, ठीक है, 3-4 फ्रूट है, उसमें लगने वाले मेन डिजीज कौन कौन सा है? तीन कम से कम डिजीज का नाम बताओ। जी सर, मैंगो सबसे पहले मैंगो की बात करते हैं। मैंगो में सर मैंगो माल फॉर्मेशन हो जाता है और उसके जो फ्यूजेरियम की वजह से होता है, फ्यूजेरियम मॉनिली फॉर्मिंग,
उसके बाद सर ब्लैक टिप डिजीज, जो ब्लैक टिप होता है वो मैंगो में लगता है। एंथ्रेक्नोज भी मैंगो में बहुत प्रेवलेंट है बिहार में। उसके बाद फिर पाउडरी मिल्ड्यू जो कि ओइडियम मैनजीटेरी होता है, उससे मैंगो में बहुत लगता है। और सर लीची की में जाए तो लीची में सॉफ्ट रॉट एक प्रॉब्लम है जो कि पोस्ट हार्वेस्ट के टाइम में भी देखने को मिलता है। और सर फ्रूट में गुआवा का अगर देखें तो सर गुआवा में सबसे ज्यादा हम लोगों को गुआवा में गुआवा का याद नहीं आ रहा था मुझे। और सर फिर केला में होता है, केला में हम लोगों को शिका टोका का डिजीज लगता है, फिर विल्टिंग प्रॉब्लम भी केले के अंदर देखा जाता है। और थ्री वेजिटेबल, तीन जो मुख्य बिहार में जो तीन चार जो भी है वेजिटेबल है उसके बताओ आप, उसमें कौन कौन सा लगता है डिजीज? तो वेजिटेबल में बैगन हमारे यहाँ होता है, अच्छा खासा क्वांटिटी में बैगन होता है। उसके अंदर से फोमोप्सिस ब्लाइट लगता है जो कि फोमोप्सिस वैक्सीन से होता है। उसके बाद टमाटो का भी अच्छा प्रोडक्शन होता है हमारे बिहार में, उसमें अर्ली ब्लाइट और लेट ब्लाइट दोनों लगते हैं। उसके साथ साथ लीफ कर्लिंग का भी प्रॉब्लम, चिल्ली सॉरी चिल्ली है, चिल्ली में लीफ कर्लिंग का बहुत प्रॉब्लम है। फिर एंथ्राक्नोज रॉट एक होता है वो भी चिल्ली में बहुत ज्यादा लगता है। फिर फोर्थ है सर पोटैटो, पोटैटो भी हमारे बिहार में बहुत होता है, इसमें भी फाइटोप्थोरा और अल्टरनेरिया का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा, और एक ब्लैक स्पॉट डिजीज होता है वो भी बहुत ज्यादा लगता है सर। वेरी गुड। अच्छा बताओ, नाइट्रोजन का क्या रोल होता है प्लांट में? डेवलपमेंट मींस इनका ग्रेट। ग्रोथ जो होता है उसको डेवलप करने में हेल्प करता है सर। फास्फोरस का, फास्फोरस का क्या रोल है? सर फॉस्फोरस जो होता है वो डिजीज रेसिस्टेंस में बहुत ज्यादा हेल्प करता है प्लांट के। पोटेशियम, और सर पोटेशियम क्वालिटी डेवलप करने के लिए, प्लांट का जो क्वालिटी होता है उसको एनहांस करता है। जिंक, सर जिंक जो होता है वो रेसिस्टेंस, डिजीज रेसिस्टेंस प्रोवाइड करता है प्लांट को। और आयरन का क्या होता रोल होता आयरन तो क्लोरोफिल कंटेंट का एक पता है, और नहीं पता शायद ध्यान नहीं आ रहा आयरन है? का। मैग्नीज, असल मैंगनीज जो होता है वो क्लोरोफिल के क्लोरोफिल का मेन कंपोनेंट होता है, तो वो क्लोरोफिल का कंसंट्रेशन को एनहांस करने में हेल्प करते हैं। चलिए वेरी गुड। चलिए बहुत अच्छा, लेकिन तक चलो अब जा सकती हो। थैंक यू सो मच सर।